सबको जय मसीह की। मैं पास्टर एल्फान हेमराम ग्राम मुर्गावनी, अभी मैं तत्काल धोकड़जोड़ा पीएच चर्च में सेवकाई करता हूँ। मैं इस समय IPSC के द्वारा प्रार्थना आंदोलन में बुलाया गया हूँ। हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में अभी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लाखों लाख आदमी अभी मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, इस महामारी के चपेट में आ रहे हैं और बहुत तीव्र गति से ये रोग फैल रहे हैं संसार में, और पूरे देश इस समय डर रहे हैं मैं महामारी से। इसलिए अभी हम लोगों को प्रार्थना की ज़रूरत है, परमेश्वर की अधीन में रह करके मैंने मन लगा करके प्रार्थना करेंगे, और क्योंकि बिना प्रार्थना से हमें चंगाई नहीं मिल सकता है। और ये शैतान हमारे देश में मैंने इस तरह के रोग को फैलाए हैं। आइए प्रार्थना से पहले एक छोटी सी वचन को सुनेंगे, एफिसियों की पत्री और उसका 12वीं आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो भाइयों और बहनों, देखिए ये हमारी लड़ाई अंधकार के हकीमों से, दुष्ट शैतानों से है। वही हमारे मनुष्य को नष्ट करने के लिए ये तरह तरह की महामारियां, रोग फैला रहे हैं। इसलिए प्रार्थना पूर्वक हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमारा शरीर को स्वस्थ रखें, देश को बचाएं। इसलिए हमें प्रार्थना में जाएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो। दूसरी पत्रास की चिट्ठी में लिखा है, 3:9 में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि सृष्टि के लोगों को नष्ट हो, परंतु उसका अनंत जीवन बना रहे। तो इसलिए आइए हम लोग मिल करके इस महामारी के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि ये देश से खत्म हो जाए। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और महान पिता परमेश्वर से मांगें। हालेलुया। दयालु पिता परमेश्वर, तू आकाश में विराजमान है, आज अपने हृदय से मांगते हैं पिता परमेश्वर, इस देश में जो महामारी फैला हुआ है प्रभु, उससे दूर हटा दे। तू दयावंत है, रक्षा करने वाला पिता है, इसलिए आपसे ये छोटी सी विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे भारत महामारी के चपेट में आ गया है प्रभु, लाखों लोग यहाँ मर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीमार में पड़े हुए हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं उससे चंगाई दे प्रभु। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं
जो इस बीमारी को रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं पिता परमेश्वर, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मी हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं प्रभु, उनको आशीष दीजिए ताकि इससे महामारी को मिटाने के लिए सफलता प्राप्त कर सकें। सारे प्रार्थना आदर और महिमा के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर अपने स्वर्गीय राज में, आमीन। और फिर से मैं प्रार्थना में आऊँगा। सबको जय मसीह।